हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजी फनी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो अगर आपको ट्रायंगल सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता दूं, ये ट्रायंगल है तो मैं एंगल का भी वीडियो बना चुका हूँ, कोण का। वो आप वीडियो जरूर से जरूर देखें, आपको समझ में आएगा एंगल क्या होता है, कैसा कितना डिग्री का बनता है। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। तो आज हम सीखेंगे ट्रायंगल, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कितने, यहाँ पर बता दूं आपके, आपको कितने इसके भेद हैं, कितने इसके तीन तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है तीन। तो कौन कौन है, चलिए पहला आपका, पहले बताता हूँ त्रिभुज क्या होता है। ओके दोस्तों, आपका त्रिभुज होता क्या है, तो त्रिभुज चलिए हम देखते हैं। जो त्रिभुज जैसे फिगर बनाते हैं, देखिए ये मान के चलिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको त्रिभुज के बारे में। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है ना दोस्तों, ये क्या है, ये है क्या, तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए बताता हूँ पहले अच्छे से बना के, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उससे दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्या है, ये है, ऐसा ही होता है त्रिभुज। त्रिभुज वह होता है जिसके तीन कोण, तीन कोण, पहला दूसरा तीसरा, यही है त्रिभुज। ओके दोस्तों, त्रिभुज तो इसे ही कौन कौन तीन को लोग उसे त्रिभुज कहते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए जो त्रिभुज वह होता है जिसके तीन कोनों, और जो 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का तीनों भुजा 180 डिग्री का हो, उसे ही त्रिभुज कहते हैं। यानी ये आपका ये पहला भुजा, इसका ये पहला भुजा हो गया दोस्तों, ये इसका पहला भुजा, ये इसका, ये भी एक भुजा 180 डिग्री का, ये दूसरा भुजा 180 डिग्री का, और ये तीसरा भुजा 180 डिग्री का। ओके दोस्तों, ये तीन भुजा हुए, तो इसे ही कहते हैं ट्रायंगल। अब क्या है इनके भेद, तो इनके कितने भेद हैं, वो है तीन। पहला आपका हो जाएगा कौन, फर्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सम बाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा सम बाहु त्रिभुज। तो वो कौन सा है, चलिए देखते हैं, सम बाहु त्रिभुज। चलिए तो त्रिभुज पहले लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश होता क्या है, इसका होता है इंग्लिश क्या होता है, इक्वाइलैटरल। ओके दोस्तों, क्या होता है इसका हिंदी, इसका सॉरी अंग्रेजी, इसका ये हो जाएगा इक्वाइलैटरल। ओके दोस्तों, लैटरल। चलिए तो ये हो गया आपका क्या, समबाहु त्रिभुज इक्वाइलैटरल। अब क्या है, अब है आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, वो भी देखते हैं। दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आइसोस्केलेस। तो पहला ये इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब थर्ड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, चलिए लिखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज लिखता हूँ पहले। चलिए, ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी अस्केलन ट्रायंगल। ओके दोस्तों, आपका ये हो गया अस्केलन ट्रायंगल। तो ये मैंने आपको बताया इसके तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला आप देखते हैं, पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी
सभी भुजाएं समान हो वह सभी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं आपका ये समबाहु त्रिभुज। तो इसका फिगर जैसे बनाते हैं, ये मैं फिगर बनाना हूँ फर्स्ट का, ये क्या है, ये है फिगर। तो चलिए, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये तीनों भुजाएं समान है, ये भी इसका भुजा समान, ये भी इसका भुजा समान, और ये भी इसका नीचे वाला भी भुजा समान है। ओके दोस्तों, तो थोड़ा टेढ़ा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट है यही, आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, अब आपका हो गया ये दूसरा, तो दूसरा है आपका ये समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो समद्वि बाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं सिर्फ समान हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसकी जिसकी दो भुजाएं सिर्फ समान हो और तीसरा नहीं, उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा अच्छा से इधर बनाता हूँ समझ में आने के लिए आपको, ये देखिए। चलिए, तो यानी ये क्या हो गया, यही। ओके, नहीं समझ में आया तो हम अच्छे से समझाते फिगर बना के। यानी है क्या, ये है ये ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल। तो लेकिन क्या कहता है, समद्वि बाहु त्रिभुज दूसरा वाला, दूसरा है समद्वि बाहु त्रिभुज, इसमें कहता है क्या कि जिस सिर्फ दो ही भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इसकी ये दोनों भुजाएं समान है, और लेकिन ये सिर्फ अलग है, ये दोनों भुजाएं समान है लेकिन ये अलग भुजाएं, ये दोनों समान है और वो नहीं, तो इसे ही कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। अब आपका हो गया थर्ड विषमबाहु त्रिभुज, तो ये आपका थर्ड, तो थर्ड क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज होता क्या, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, जिसकी सभी भुजाएं जो कोई नहीं मिलता भुजा, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। यानी फिगर बनाकर देखते हैं, चलिए ये दिख रहा है, ये ऐसे करके और ये भी ऐसे हो गया, और ये आपका ये लंबा सा हो गया। यानी देख लीजिए जरा अच्छे से, लंबे से बना देते हैं आपको समझ में। देखिए, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये तीनों अलग अलग है, ये थोड़ा छोटा है और इसे ये थोड़ा बड़ा और ये सबसे बड़ा। यानी सभी भुजाएं इसका क्या है, ये ट्रायंगल है, कौन ही है इसकी, इसकी सभी भुजाएं क्या है आपकी, सभी भुजाएं असमान है, समान नहीं है, तो ये है ट्रायंगल। अब क्या करना है, ट्रायंगल के आधार पर जो कोण है उसको देखना है। ये तो मैंने आपको तीन भेद बता दिया ट्रायंगल का, अब देखेंगे कि ट्रायंगल के आधार पर जो वो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बने हैं कोण, उसके बारे में। तो आपका वो पहला कौन सा आ जाता है दोस्तों, चलिए ये आपको समझ में आया, इधर जरा मिटाता हूँ स्पेस लेने के लिए, चलिए। ओके दोस्तों, तो चलिए चलिए आपको बताता हूँ, तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यून कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बता रहा हूँ, न्यून कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज चलिए लिखते हैं पहले, न्यून कोण त्रिभुज। तो यानी न्यून कोण त्रिभुज, यानी इंग्लिश होता है इसका, मैं बोल के बता देता हूँ, न्यून कोण त्रिभुज यानी, मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे कोण वाला वीडियो जरूर से जरूर देखें, एंगल वाला, उसमें समझ में आ जाएगा न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, स्ट्रेट कौन, वो सब सभी समझ में आएंगे। देख लीजिए एंगल जाके पहले, ये वाला आप देख लीजिए, और ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो यानी क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगलेड ट्रायंगल, एक्यूट एंगलेड ट्रायंगल। और अब दूसरा कौन सा आधार पर हो जाएगा, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, आपका ये दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ओके दोस्तों, समकोण त्रिभुज यानी क्या होता है, समकोण त्रिभुज यानी होता क्या है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगलेड ट्रायंगल। तो लिख लीजिए राइट एंगलेड ट्रायंगल। अब थर्ड आपका हो जाएगा क्या,
अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ओके दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए तो ये हो गया त्रिभुज, लिख देता हूँ त्रिभुज लिख देता हूँ, चलिए अच्छे से त्रिभुज। तो ये हो गया आपका तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है। ऑब्ड्यूज, ऑब्ड्यूज एंगलेड ट्रायंगल, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब क्या है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, ये कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार है। तो न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण वह होता है, न्यून कोण वह होता है जिसकी, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो 90 डिग्री से कम के कोण हो उसे ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे फिगर बनाते हैं, ये आपका फर्स्ट का, फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं तो ये 90 डिग्री से कम के कोण हो, तो 90 डिग्री से कम के कोण, ये आपका बन गया कितना का, चलिए ये आपका बन गया, ये देखिए ये रुकिए रुकिए दोस्तों, पहले आपको समझाता हूँ, पहले के ये आपका कितना डिग्री का बन गया, ये आपका बन गया 70 डिग्री का। कितना का बना देख लीजिए, ये मैं आपको 70 डिग्री का बना के दिखा दिया, चलिए ओके ये 70 डिग्री का है। अब लेकिन हो तो गया ये कोण, क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये तो हो गया कोण, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको बनाना है न्यून कोण त्रिभुज। हमने तो सिर्फ न्यून कोण ही बनाए, न्यून कोण ही बनाए, लेकिन हमको अब इसमें त्रिभुज को भी ऐड करना है। त्रिभुज ऐड कैसे करेंगे, इधर से ये कैसे करके लाइन खींच देंगे, ये आपका बन गया कितने का, अगर ऐसे रहेगा और बात पूछेगा कि ये कितना डिग्री का कोण है, कितना डिग्री का बना हुआ है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो आपको क्या करना है 70 डिग्री का, या आपके पास वो कंपास तो होता है, वो देख लीजिए वो स्टैम्प बॉक्स नहीं होता है, उसी से उसमें जो मिलता है वो आप खरीद लीजिए बॉक्स, उसमें जो मिलता है चांद जैसा, उसमें आपको डिग्री मापने का पता चलेगा कैसे मापा जाता है। चलिए तो ये आपको पता चल गया, ये था न्यून कोण त्रिभुज। अब आपको दूसरा बताते हैं, दूसरा क्या है, ये आपका हो गया दूसरा, तो दूसरा क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जो 90 डिग्री का हो उसे ही समकोण कहते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री का ये और ये, यानी इसको अगर वो आपके पास नहीं रहेगा अभी चांद, तो आप अपने हाथों से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों से पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको एक हाथ ऐसे लेना है हाथों, और ये आपको ये वाला, ये जो उंगली दिख रहा है इसे जीरो मान लेना। अब जीरो से यहीं से चलना है, ऐसे कर लेना, जीरो इसे मान लेना है। अब यहीं से, यहाँ इसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 से 90 तक, यहाँ तक आपका ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा कितने का, 90 डिग्री का बन जाएगा, और इधर बन जाएगा उधर, उधर आगे बनेगा 180 डिग्री का आगे, उसके बाद पूरा। तो ये आपका 90 डिग्री का, ऐसे देखिए दोस्तों सेम टू सेम बन गया ना, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री का। तो ये आपका कितना का बन गया, ये बन गया आपका 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में यही कहता है 90 डिग्री का बनाना है, लेकिन क्या कर रहा है, हमने तो बनाया समकोण, अब इसमें करना है हमको त्रिभुज भी ऐड करना है, ट्रायंगल भी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे, ऐसे ऐसे करके ये लाइन खींच देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर ऐसे में रहेगा तो आपको पता करना है, अगर वो वाला आपके पास चांद जैसा भी नहीं रहेगा तो आप हाथ से अपना अपना हाथ को वो बना सकते हैं, और हाथ से ही पता कर सकते हैं कितने डिग्री का ये कोण है। चलिए अब ये समकोण त्रिभुज भी मैंने बता दिया, अब आपका थर्ड आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज, ये आपका थर्ड। तो अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है, जो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी यानी होता है क्या, यानी 90 डिग्री से ज्यादा के कोण, तो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण, जैसे ये देखिए ये कितने डिग्री का बन गया आपका, ये बन गया 100 डिग्री का, कितने डिग्री का दोस्तों, ये आपका 100 डिग्री का बन गया, लेकिन ये आपका तो बना सिर्फ अधिक कोण। अब इसको अधिक कोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, बन गया क्या, ये आपका बन गया ये त्रिभुज, ये आपका ट्रायंगल बन गया अधिक कोण त्रिभुज, तो ये भी बन गया। अगर ऐसा रहेगा तो आपको पता करना है कि ये आपका 180 डिग्री का कोण है, और ये आपको समझ में आ जाएगा ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो यानी अधिक कोण त्रिभुज कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी ये क्या हो गया,
ये हो गया आपका 100 डिग्री का कोण, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा के कोण बन गए। तो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण 95, 100, 200 भी बना सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये अभी आपको समझ में आ गया। तो ये मैं सॉरी 200 नहीं, गलती हो गई, ये 90 डिग्री का है ये दोस्तों। तो 90 से ज्यादा का 95, 100 और भी बहुत सारे बना सकते हैं, 105, 110, 120, 180 तक बना सकते हैं, 180 से कम के बना सकते हैं। ओके, 180 के मतलब समझ में आ गया होगा, 175 तक बना सकते हैं आपको ये 90 डिग्री से कम के कोण। तो वो कोण वाला वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है कोण। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रायंगल। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो मैंने आज आपको ट्रायंगल बताया। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो चलिए बाय बाय, इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।